दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरा नया वीडियो पर। मैं विकास और आप लोग देख रहे हैं चैम पोल्ट्री। दोस्तों इस वीडियो पे मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं अभी जो नया नया मैं ग्रोथ प्रमोटर यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों ये रहा बॉयलर प्लस। दोस्तों एक ग्रोथ प्रमोटर है तो मैं आज इसको यूज़ करूँगा और इसको कैसा यूज़ करना है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। फिलहाल इसका रिजल्ट तो अभी तक मुझे मिला नहीं क्योंकि पहली बार मैं उसको अभी यूज़ करूँगा। तो इसके अगर रिजल्ट मुझे अच्छा लगा तो उसके ऊपर भी मैं आप लोगों के बीच वीडियो लाऊंगा। तो दोस्तों चलिए इसको कैसे देते हैं ये भी मैं आपको दिखा दूँ। तो दोस्तों ये रहा करंट कंडीशन अभी ये बैच का, अभी 22 डेज चल रहा है इसका। तो 22 डेज के बाद मैं उसको अभी ग्रोथ पाउडर दूंगा। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ग्रोथ पाउडर जब भी देंगे उससे पहले 5 दिन कंटिन्यू आपको लिवर टॉनिक चलाना पड़ेगा पानी में, उसके बाद जाके आपको ग्रोथ पाउडर देना पड़ेगा। तो दोस्तों इसको कैसे देते हैं मैं सब कुछ डिटेल्स में आपको बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। देखिए दोस्तों ये जो बॉयलर प्लस है इसके लिए 3000 मुर्गी में, जैसे कि मैं आज 3000 मुर्गी पर दूंगा, तो 3000 मुर्गियों के लिए आपको 15 kg दाना लेना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं 15 kg दाना पहले ले लूँगा। और दोस्तों जैसे कि मैं देख रहे हैं मैं गोदरेज का दाना यूज़ कर रहा हूँ, तो गोदरेज का मैं 15 kg दाना लूँगा। तो ये हो गया 15 kg दाना। अभी दोस्तों ये जो बॉयलर प्लस है ये 15 kg दाना में 1.5 kg मिक्स करना पड़ता है। इसका जो पाउडर है वो 1.5 kg मिक्स करना पड़ता है 15 kg में, ठीक है। तो मैं वेट करके 1.5 kg ले लूँगा पहले। तो दोस्तों ये हो गया 1.5 kg, मैं थोड़ा ज़्यादा है, कोई 100-150 ग्राम ऊपर ने छोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों इसको ऐसे देख के पहले अच्छे से मिक्स, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ठीक है। 15 kg दाना में 1.5 kg पाउडर, ठीक है, पाउडर प्लस 1.5 kg। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है पाउडर को दाना के साथ। भाई अकेला कलर ब्लैक बना दीजिए दोस्तों। देखिए कैसे मिक्स किया जा रहा है। अगर आप लोग कभी ये देंगे तो देने का जो प्रोसेस है मैं आपको दिखा दिया, ठीक है। ऐसे ही आपको देना है, अच्छे से मिक्स करना है। और 15 kg दाना को जितना फीडर है, जितना दाना का जितना फीडर है सब में थोड़ा 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 करके देना है। खाली फीडर में देना है, उसमें अगर दाना है तो उस दाना के ऊपर नहीं देना है। जब फीडर खाली हो जाएगा तब सब फीडर में थोड़ा 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 करके देना है। 10-15 मिनट के अंदर मुर्गी ये जो पाउडर मिक्स किया हुआ दाना है खा लेगा। उसके बाद जाके आप दूसरा जो दाना है, मतलब जो दिन में जितना दाना देते हैं आप लोग, वो आप एक ही बार में भरा देंगे। लेकिन पहले इसको पूरा खाना है मुर्गी, उसके बाद जाके आप दाना लोड करके दे सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों एक ऐसे ही जो पानी का डिंकर है उसमें लिया जा रहा दाना लेके, अभी ये इधर 1500 मुर्गी है, 1500 मुर्गी में दिया जाएगा। इधर 1500 मुर्गी है और बगल वाले घर में भी दिया जाएगा, उधर भी 1500 मुर्गी है। तो दोस्तों देखिए अभी कितने दे जाओ ना, 7.5 kg, मतलब जो पानी का डिंकर है वो 5 kg का दाना पकड़ता है इसमें। तो अभी डेढ़ जो ये वो लेके मैंने 1.5 टाइम लेके गया है। तो देखिए दोस्तों और एक चीज़, जब ये देंगे तो फीडर को अच्छे से साफ रखिए, क्योंकि फीडर के अंदर पुराना फोलिया पुणे जो लीटर है वो गिरा रहता है, उसके ऊपर ये ग्रोथ पाउडर ना दीजिए। पहले अगर पुराना दाना है उसको फेंक लीजिए, जैसे कि मेरा बंदा फेंक रहा है देखिए, उसको फेंक के उसके बाद आप इसके ऊपर जो ग्रोथ पाउडर मिक्स हुआ हुआ दाना है वो दीजिए, ठीक है। और एकदम थोड़ा थोड़ा दीजिए, ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। और दाना जब खाली हो जाएगा उसके बाद जाके आप दूसरा दाना दीजिए। तो दोस्तों ये रहा एक घर का। तो अभी चलिए दूसरे के जो घर में देने वाला हो वो घर में मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा कंडीशन कैसा देख लेंगे आप लोग भी। देखिए दोस्तों यहाँ पर अभी ग्रोथ पाउडर दिया गया है, मुर्गियाँ कैसे खा रहे हैं। तो दोस्तों ये बचा हुआ जो दाना है
वो ये था ना बगल वाले घर में दिया जाएगा। तो चलिए मैं बगल वाले घर को भी आपको मैं दिखा दूँ। ये सब घर में रनिंग बस चल रहा है दोस्तों, पूरा का पूरा। आप लोग ऐसे पता है हमारे हम लोगों के यहाँ पर टोटल 20,000 मुर्गी का कैपेसिटी है, तो सब घर में अभी रनिंग बैच चल रहा है। मैं आपको सब घर तो दिखा नहीं पाऊँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो एक दो घर में आपको दिखा दूंगा। तो दोस्तों अभी एक घर में भी ग्रोथ प्रमोटर दिया जाएगा, क्योंकि वो घर और ये घर दोनों एक ही बैच से एक ही साथ आए हुए हैं और सेम डेज है, यहाँ पर भी 22 डेज है। दोस्तों फिर से आपको पहले बता दूँ, जब भी आप ग्रोथ प्रमोटर देंगे, देने से पाँच दिन पहले से आप लिवर टॉनिक चलाइए, उसके बाद जाके आप ग्रोथ प्रमोटर यूज़ कीजिए, तब जाके ग्रोथ प्रमोटर अच्छे से काम करता है। दोस्तों एक घर है यहाँ पर अभी दोस्तों 10 डेज का चूजे है, यहाँ पर 10 दिन चल रहा है चूजे का, यहाँ पर भी ग्रोथ प्रमोटर दिया जाएगा आफ्टर 20 डेज। वो जो घर देख रहे दोस्तों, वो सब नया सीड है, वो सब में भी अभी मुर्गियाँ है। वो सब घर में भी अभी मुर्गियाँ है, सब घर में भी मुर्गियाँ है। दोस्तों चलिए मैं आपको दाना को भी थोड़ा दिखा दूं। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि मैं पहले सिर्फ हम लोग पहले सिर्फ गोदरेज का दाना यूज़ करते थे, लेकिन दोनों दोस्तों अभी जैसे कि 20,000 मुर्गी पूरा भर चुके हैं शेड में, तो हम लोग अभी दो कंपनी के दाने यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, एक गोदरेज और एक अनमोल। तो अनमोल का रिजल्ट अभी हम लोगों को ठीक से पता नहीं चला, लेकिन अभी जैसे कि कंटिन्यू एक बैच में अनमोल चल रहा है, तो उसका रिजल्ट भी हम लोगों को पता चलेगा, और उसका रिजल्ट क्या है वो भी मैं आप लोगों के बीच लाऊँगा आफ्टर जब बैच मतलब ख़त्म हो जाएगा, उसका रिजल्ट क्या है देख के मैं आप लोगों के बीच लाऊंगा अनमोल का रिजल्ट कैसा है।